नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज से दो दिन पहले हमने मुहिम शुरू की थी, लेट्स फीड द नीडी, यानी चलो किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। और हमारी इस मुहिम में हमारे दर्शकों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका नतीजा ये है कि आज इस मुहिम के दूसरे दिन ही हम लगभग 1400 पैकेट जो है वो लोगों ने हमें देने का आश्वासन दिया। बकायदा इसको लेकर हमने जीटी रोड पर सालवान फर्नीचर में जो है ये अपना एक गोडाउन बनाया, जहां पर हम पहले आप द्वारा जो भेजी गई सामग्री है उसको कलेक्ट करेंगे और फिर ट्रकों में भरकर इन्हें जिला प्रशासन को और जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं उनको सौंपेंगे, ताकि ये जो पैकेट है, ये जो राशन सामग्री है, ये जरूरतमंदों तक पहुंच सके। बहरहाल आज जिस तरीके से इस मुहिम का ये दूसरा दिन है, आप इस ओर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। और इसके लिए हमने एक क्वांटिटी जो है वो नियुक्त की है, जिसमें हमने 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1/2 किलो सरसों का तेल, इसके अलावा 1 किलो दाल, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्च, 1 किलो चीनी, ये जो सारी चीजें हैं ये हमने एक पैकेट में बनाई है। और बकायदा इन पैकेट्स को हम यहाँ पर फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम इन पैकेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, और यहाँ से ये सारी सामग्री को इकट्ठा करने के बाद हम एक ट्रक में लोड करेंगे और जिला प्रशासन को देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया, ये इसी तरीके से अपना योगदान देंगे, ताकि वो लोग जो जरूरतमंद है, जिन्हें वास्तव में इस समय इसकी जरूरत है, ये जो राशन सामग्री है ये उन तक पहुंच पाए। और मैं समझता हूं कि ये हमारा दायित्व भी है कि हमें मुसीबत की इस घड़ी में सरकार के साथ, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। और जो समर्थ लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोग हमारे इस प्रयास में हमारा साथ देंगे, हमारे साथ प्रशासन का योगदान करेंगे, ताकि आपके शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो पाए। हमारी इस मुहिम में आज जो लोग हमारे पास आए, जिन्होंने राशन सामग्री दी है, हमने उनसे बातचीत की, क्या कुछ है उनका कहना, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर आर सूरी, प्रिंसिपल मुरलीधर डीएवी पब्लिक स्कूल अम्बाला शहर। सबसे पहले तो मैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम का बहुत ही धन्यवादी भी हूँ, और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज इस मुसीबत की घड़ी में ये इनकी पूरी टीम बढ़ चढ़ कर समाज सेवा में लगी हुई है। जो भी समाज के पुअर लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो ताज़ा कमाने वाले और ताज़ा खाने वाले लोग हैं, उन तक मदद पहुंचाने के लिए इनकी टीम ने पिछले कुछ दिनों से ये मुहिम चला रखी है कि उन तक राशन पहुंचाया जाए। और इसके लिए इन्होंने काफ़ी सोसाइटी के लोगों से, और सोसाइटी के लोग खुद इनके साथ संपर्क किए हुए हैं, और आगे जो भी कैपेबल लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं दान देने की, जिनमें समर्थता है, वो आगे आकर इस पूरी टीम का साथ दे रहे हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूं कि ये इस सेवा में लगे रहें, और जितना हो सकेगा मुरलीधर डीएवी स्कूल और मैं पर्सनल तौर पे जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने ज़रूरतमंद को अनाज देने का, राशन देने का एक बड़ा अच्छी मुहिम शुरू करी है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। हमारे दोस्त श्री सवरवाल जी ने एक, मैं समझता हूँ, ऐसे मौके पर जब देश पूरा संकट में है, अम्बाला के गरीब लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। मेरा इनको पूरा समर्थन है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं अम्बाला के लोगों से अपील करूँगा कि इस नेक काम में आगे आएं और अपना साथ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक अनाज पहुँचाया जा सके। मैं विकास सिंगला,
अंबाला टैंड निवासी अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की इस मुहिम के लिए कि कोई भी इंसान अंबाला टेंट के अंदर भूटा ना रहे। कमलप्रीत सब्बरवाल जी का जो योगदान है बहुत ही सराहनीय है। मेरी लाइफ टाइम के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी किसी पत्रकार को इतना करते हुए नहीं देखा कि जो लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं। और मेरी तो ये सोच है कि जिस इंसान के पास समर्थ है वो भी आगे आए और इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालें। ये मोटा इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी आता है, बार बार नहीं आता। और यही भगवान से दुआ है कि जी अंबाला ब्रेकिंग न्यूज को भगवान दिन चौनी रात उन्नति करें। रोहित गुप्ता एडवोकेट अंबाला से हूँ, और जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने मुहिम चलाई है गरीबों के लिए अन्न बांटने की, मैं तन मन धन से उनके साथ हूँ। और सभी से ये आशा करता हूँ जो समर्थ हैं, जो दो पैकेट चार पैकेट जो भी दे सकते हैं ताकि गरीबों का भला हो सके, कोई भी ये मुहिम अंबाला से चल के पूरे हिंदुस्तान में फैले और कोई भी नागरिक हमारे देश का भूखा ना सोए। धन्यवाद। मेरा नाम विनय गुप्ता है, अंबाला कैंट निवासी। ये जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने मुहिम शुरू करी है कि अंबाला में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सोए, ये मुहिम बहुत बढ़िया है और हम भी इस मुहिम के साथ जुड़े हैं उनके साथ। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जो भी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहता है वो आगे आए और अपना सहयोग दे। धन्यवाद। आप भी हमारे साथ हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर हमें संपर्क कर सकते हैं और आप भी इस मुहिम में, इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हम आपको अंबाला से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे।